गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो यार हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। भैया आज से अपनी बोले थे कॉलेज की छुट्टी, तो अपन लोग जा रहे घर, ठीक है। तो भैया अभी 8 बजे के टाइम में अपन लोग भैया उठे अभी है। तो भैया रेडी वेडी हो जाएगा, जो कुछ बना है किचन में खाया जाएगा, पैकिंग किया जाएगा। पैकिंग तो क्या है भाई, 2-4 कपड़े डालने हैं बैग में, फिर भाई निकलेंगे हम लोग और सब लोग घर जा रहे हैं, ठीक है। आज प्रतीक भी भाई निकल जाएगा मेरे साथ, रोशन भी भैया अपने घर जाएगा, ठीक है। वो अभी सो रहा है, उसी गाड़ी बोले तो आएगी 1 बजे के आसपास, लेकिन अपन लोग जल्दी ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो फ़ोन में चार्ज थोड़ा कम है, फ़ोन में चार्ज डालता हूँ, जो सामान रखना है वो रख देता हूँ अच्छे से, ठीक है, ताकि इधर उधर ना हो। फिर भैया निकलेंगे हम भी। गाइस देखो पैकिंग हो रही है, ठीक है, मेरी पैकिंग हो चुकी है, बस कपड़े बदलने बाकी है। और प्रतीक भैया कपड़े बदल चुका है, पैकिंग इसकी बाकी है। रोशन भी भैया कपड़े बदल रहा है, पैकिंग वैकिंग कर दिया है, वो भी निकलने वाला है, ठीक है। और थोड़ा रूम भैया साफ सुथरा करके जाना पड़ेगा, छोड़ के मतलब साफ सुथरा छोड़ के, ठीक है। सब सामान इधर उधर पड़े हुए, तो भैया इधर उधर करते हैं, फिर हम भी निकल रहे हैं। तो भैया निकलने के बाद मिलते हैं तुमको साफ सुथरा करने के बाद, ठीक है। गाइस देखिए भाई रोशन आज हीरो लग रहा है, रोशन भैया इधर देखो यार, ओ गाइस देखो नया जूता नया पैंट नया शर्ट, बस उस पर प्रेस होता तो बढ़िया लगता और भी, ठीक है। और भाई पूरा हीरो बन के जा रहा है यार भाई, ये रियलिटी है, बेइज्जती नहीं है। ओए प्रतीक तेरे को क्या लगता है भाई? लव यू भाई। देखो गाइस देखो, हमको लगता था ना ऐसे कपड़े कौन से पहनूं क्या पहनूं, ये कभी ध्यान नहीं देता हमको लगता था, ठीक है। आज पता चला भैया इतना हीरो बन के भी रोशन चलता है, ठीक है। तो भैया लड़के है भाई, कभी कभी ऐसे कांड कर देते है भैया, साला विश्वास करना मुश्किल हो जाता है यार। तो मेरे भाई लोग हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी निकलने का टाइम हो रहा है, धीरे धीरे अभी निकलने का टाइम हो रहा है, पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो चुका है। तो भैया अभी हम लोग निकलेंगे, तो सीधा मिलेंगे दिवाली बाद, ठीक है भाई लोग। रोशन ससुराल जाने वाला, ससुराल बोल रहा है गाइस। क्या हुआ प्रतीक? देखो आज कुकू तिहार था, मतलब भाई कुत्तों का त्योहार, ठीक है। कल बोले तो कौवा का त्योहार था। देखो भैया उसको भी मतलब वो काले वाले डॉगी को भी वो कर दिया गया था, पूजा किया गया था, ठीक है। और अपना भाई पप्पी को भी पूजा किया गया है, ये बस भाग रहा है, उसके गर्दन पे माला बांध दिया गया है, टीका लगा दिया गया है, तुमको आगे से दिखाऊंगा, लेकिन साला आगे आगे चल रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है गाइस। और हम बोले तो गाइस निकल गए हैं अभी पुल पे, रोशन की गाड़ी आ रही है, वो आराम से निकलेगा, ठीक है। देखो गाइस जिसके सर पे माला है, लेकिन साला ये दिखाता नहीं है, ये देखिए गाइस माला है, माला पप्पी। देखिए गाइस सर पे टीका भी, इतना लंबा टीका है, ठीक है गाइस। देखो अपने गाड़ी मिल गई है, ठीक है। अपन लोग भैया जूस फैक्ट्री से जाएंगे रानीपुल तक, फिर वहाँ से पकड़ेंगे दूसरी वाली गाड़ी और पहुँचेंगे सीधा पाक्योंग, ठीक है। अभी टाइम लग जाएगा घर पहुँचते पहुँचते, 2-2.5 घंटे हो जाएंगे, 2-2.5 घंटे का रास्ता है ट्रैवलिंग का। तो मेरे भाई लोग हम पहुँचे बोले तो रानीपुल, ठीक है भैया। रानीपुल पे देखो आज भीड़ तगड़ी लग रही है, तो दिवाली की हड्डियाँ लग रही है मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है भाई। दिवाली की शॉपिंग है भाई, दिवाली से पहले सब लोग भैया बिजी खरीदने और बेचने पे। तो अपन लोग पहुँचे रानीपुल, तो इस तरफ है गाइस बोले तो पाक्योंग स्टैंड, ठीक है। तो अपन लोग इसी तरफ जा रहे हैं। भीड़ भैया मैं रानीपुल में इतना भीड़ कभी नहीं देखा था यार, आज बहुत भीड़ है यहाँ पे। देखो भाई जो चलने वाली ये जगह है, यहाँ पे चलने के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। खरीदारी चल रही है बहुत, तो अपन लोग भैया यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ आगे गाड़ियाँ तो इस तरफ पूछनी ही पड़ेगी भाई। लोग देखो अपन लोग बोले तो पहुँचे यहाँ पे रानीपुल, ठीक है। रानीपुल से पकड़े पाक्योंग की गाड़ी भाई, आज हमको मिले है अपने दोस्त भैया। बोले तो भैया दिवस आज बोले तो यार मतलब ये भी घर जा रहा है, ठीक है, कॉलेज की छुट्टी आज भैया सब लोग घर जा रहे हैं। तो भैया स्कूल के बाद पता नहीं स्कूल के बाद कितने समय बाद आज मिले हैं, ठीक है। तो भैया अपने स्कूल के दोस्त तुम लोग हेलो बोलूँ तो, ठीक है। और ये रहा भाई प्रतीक, स्कूल का दोस्त भाई, मतलब भाई अनएक्सपेक्टेड क्या क्या हो जाता है यार संसार में। तो भाई लोग देखो हम लोग इधर उधर करते कुछ कुछ हेलो कर, करते हुए पहुंचे पाक्योंग, ठीक है भाई। बाजार में भाई आज तो हटिया नहीं है, फिर भी हटिया जैसा माहौल है, भीड़ लग रही है भाई बाजार पे। और हम लोग बढ़ रहे भैया बोले तो अपने घर वाली स्टैंड की तरफ, ठीक है। गाड़ियों का भी भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक, भीड़ ही भीड़ है। देखो अपना रमेश दिखा, ठीक है भाई, मतलब भाई देखो इधर पे रुमा आलिया जी टेंशन ना हो रहा है, दुकान लगा के बैठा है, सब कुछ हो रहा है भाई आजकल, बस अपन ही लोग यार नल्ले बैठे हैं। अपने दोस्त लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन भाई अपन तो साला घूम फिर ही रहे हैं बस। तो मेरे भाई लोग देखो हम लोग बोले थे भाई पाक्योंग स्टैंड पे, यहाँ पे गाड़ी पकड़ के बैठे हैं, गाड़ी में इंसान नहीं है, बस हम तो नहीं है, लगता है भाई गाड़ी भरेगी नहीं, गाड़ी कब भरेगी, कब हम निकलेंगे और पहुँचेंगे घर भाई पता नहीं। तो भाई लोग
अपन लोग यहाँ पे बैठ के भैया खाने की चीजें खा रहे हैं, ठीक है। रोशन भी निकल गया होगा अब तक, तो वो भी पहुंचने तो वाला नहीं भाई, बस निकल गया होगा। तो भाई लोग देखो, हम लोग गाड़ी से उतर के सामान वामान लेके घर जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर में दिख रही है घर। भैया फतेह बोल रहे हैं चढ़ाई ज्यादा है, चलना ज्यादा पड़ रहा है भाई। थोड़ी सी 5 मिनट की चढ़ाई है भाई, हाफ रहा है। इसको मैं बोल रहा हूँ भैया ट्रैकिंग कैसे जाएगा इतने में, हाफ रहा है तो अरे अरे हाँ मैं भी रहा हूँ, लेकिन भैया मैं चल सकता हूँ, मैं भी चल सकता हूँ। तो भाई लोग देखो, हम लोग घर पहुँच गए, ठीक है। खाना वाना खाई घर पहुँच के, और प्रतीक देखो भैया इसको बस घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब कहाँ घुमाऊँ भाई, जंगल ही जंगल है आसपास में, तो भैया थोड़ा नीचे ले जा रहा हूँ ये शॉर्टकट वाला रास्ता होते हुए, ठीक है। और भाई जगह कैसी लग रही है? बढ़िया भाई, सच्ची ना? ग्रीनरी हर जगह भाई। बस बोल रहा है कि जंगल घुमा रहा है तू, ठीक है भाई। बात करने का उसका थोड़ा अंदाज डिफरेंट है, लेकिन बोल रहा है कि तू साला जंगल घुमा रहा है मेरे को, ठीक है। तो भाई लोग देखो, मेरे घर के पास में एक वाटरफॉल था, ठीक है। रेनी सीजन पे तो बढ़िया होता है, पूरा पानी होता है, ठीक है। अभी पता नहीं क्योंकि विंटर सीजन लग गया है, तो पानी वानी सूखने लग गया है, ड्राई सीजन आ गया है हल्का फुल्का, तो पानी घट गया होगा। फिर भी भाई देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यह रास्ता थोड़ा बस भाई के साथ घुमा जा रहा है। भाई लोग देखो, बोले तो वाटरफॉल घट तो गई है, बहुत ही घट गई है, ठीक है, बहुत कम हो गई है, लेकिन भाई जो है सही है। तो थोड़ा इसका फोटो वोटो खींच डाला, और हम बोले तो भैया थोड़ा घूमने के लिए आगे, और भैया बस घुमा जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा भैया भाई को बोले तो सीनरी दिखाने के लिए लाया था, देख लिया भाई, वाटरफॉल सूख गया है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा पानी था, ठीक है, वो देख लिया। और अभी वापस जाने का मूड अपना। भाई लोग प्रतीक को घुमाते घुमाते मिल आया हूँ अपने भाई मंदिर के पास में, ठीक है। और एक बात पूछते, कैसी लग रही है भाई? बढ़िया, पक्का ना? हाँ भाई बढ़िया, कोई दिक्कत? बस उसी जंगल से आया हूँ। दिखाता भाई तुम लोग जंगल, ठीक है, बस इसको चलना पड़ रहा है, वही दिक्कत है, नहीं तो भाई मजे आ रहे हैं इसको भी, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी है, बस थोड़ी दिक्कत ही है, कहीं रास्ता दिख रहा है दिखा दो भाई। देखो गाइस यहाँ से आए, ठीक है, हम लोग यार गाइस रास्ता उस तरफ से था, ठीक है, लेकिन मैं इसको यहाँ से लेके आया, यहाँ पे पुराना रास्ता था, लेकिन भैया मुझे पता नहीं था कि इतना मतलब घास आ गए, ठीक है भाई, बहुत घास आ गए यहाँ पे, बस घूम रहा हूँ मैं भाई। गाइस देखो यार, अपन लोग यहाँ पे घर जा रहे थे वापस, ठीक है, रास्ते पे भाई हमको ये वॉलनट कुछ बोलते भाई है कि नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन भाई ऐसा मत बोल यार, वॉलनट है कि कुछ दूसरा नट है ये बोल रहा हूँ भाई, हाँ नट तो नट ही खा सकता है, ठीक है। तो इसको ये दिखा, ठीक है, ये बोला कांटा कांटा के मैं खाने वाली चीज़ है, तो भैया निकाल के खा रहा है, तो कैसा लगा भाई? आटा है, सही है, कांटा है तो सही है भाई, अच्छा है जो भी है, वॉलनट ही इसका नाम शायद से, तुमको इसका छिलका दिखाओ ना, ऐसा होता है जो ये है, कई सारा है, हाँ उसमें अंदर होता है, ठीक है। तो भैया ये निकाल रहा है, खा रहा है, झाड़ रहा है, सब बंदर खा गए होंगे, ये पक गया ना फूट के निकल जाता है अपने आप ही, बंदर कीड़े खा जाते हैं साले, बंदर का ही किया धरा होगा, हाँ। और गाइस यहाँ ऊपर में इसका पेड़, यही पेड़ है, ये जो पत्ता दिख रहा है ना ये वाला, यही है पेड़ इसका। तो भैया हम लोग घूम फिर के घर पहुँच गए, ठीक है, अभी चाय बिस्कुट खा रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद भैया डेकोरेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी चाय बिस्कुट खाने दो भैया लोग। तो भाई लोग देखो डेकोरेशन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लाइट वहाँ पे लाइट लग चुकी है, तो मैं बोले तो माला लगा रहा हूँ अभी भाई, पहले खत्म करते हैं, फिर देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट कैसा होता है। तो गाइस देखो डेकोरेशन होने के बाद कुछ इस प्रकार लग रहा है, ठीक है, और आधा अधूरा हो चुका है, थोड़ा काम बाकी है अभी, दरवाजों पे और गेट पे और इधर ग्रिल पे थोड़ा काम बाकी है, तो भैया उसको करेंगे सुबह और कल की। भैया आज लग रही है थकान, ठीक है, तो भाई मैं दो पैर से यहाँ पे लगा हुआ हूँ, और थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर रहा हूँ, तो अभी जाके वीडियो एडिटर को भी डालना है, फिर सोना है। तो आप सभी को भी मेरी तरफ से एकदम हैप्पी वाली दिवाली भाई, और इस दिवाली आपके घर भी आए खुशियाली मेरे भाई। तो तुम वीडियो सब्सक्राइब और बाय बाय।